बचपन में अक्सर कुत्तों का डर दिखाकर मम्मियां कहती थीं कि काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। नुकीले और बड़े दांत वाले कुत्तों को देखकर ये डर लाजमी होता है। हालांकि 14 इंजेक्शन लगेंगे या उससे ज्यादा ये तो डॉक्टर से ही तय करते हैं, लेकिन अगर आपको या किसी रिलेटिव को कुत्ता काट ले तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि क्या ऐसे फर्स्ट एड हैं जो घर पे ही दिया जा सकता है। कुत्ते के काटने के बाद सबसे ज्यादा खतरा होता है रेबीज होने का, इसलिए डॉक्टर्स खुद भी डॉग बाइट के बाद जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने की सलाह देते हैं, और साथ ही अगर समय पे कुछ घरेलू उपचार किया जाए तो ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि समय पर अगर सही फर्स्ट एड यानी कि घरेलू उपचार मिला तो ये रेबीज होने के खतरे को 80% तक घटा देता है। सबसे पहले आपको बाइट वाली जगह को अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर कभी कुत्ता आपको या फिर आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले तो बिना देर किए उस जगह को साफ पानी से अच्छी तरीके से धोएं। बाइट वाली जगह को धोने के लिए आप माइल्ड सोप या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन के रूप में आप किसी एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अच्छे क्वालिटी की कोई नीम का साबुन, और कम से कम 10 मिनट तक बाइट वाली जगह को अच्छे से धोएं। इससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। बाइट वाली जगह को अच्छे से धोने के बाद किसी कपड़े की मदद से उसे पोंछ लें और सुखा लें। सूखने के बाद उस जगह पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें। अगर एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाकर भी कुत्ते के काटने वाले जगह पे लेप करके लगा सकते हैं। और इतना प्राथमिक उपचार देने के बाद आपको सीधे सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉग बाइट्स की इंजेक्शन अवेलेबल होती है। वहाँ पीड़ित को तुरंत ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद आप तसल्ली से बैठ जाएं। सबसे पहले बाइट का निशान बड़ा है या छोटा, बाइट का निशान अगर छोटा है तो खुला छोड़ दें ताकि आपका घाव जल्दी से भर सके, लेकिन अगर वहाँ किसी तरीके का इन्फेक्शन, रेडनेस, सूजन या दर्द के साथ बुखार आता है तो आपको इस बात को अपने डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डॉग्स बाइट होने के बाद कौन से फर्स्ट एड करनी चाहिए इसके बारे में प्रॉपर और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।